Hello everyone, welcome back to my channel Explore with Ritsu. Ritsu is here with a brand new video again. तो आज की वीडियो में बने रहिए, आज मैं आपको कराऊंगी मेरा रूम टूर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। शाम का वक्त है और मुझे लगी थी बहुत भूख, तो मैं चाय और चिवड़ा बोलते हैं इससे, ये मैं खाई थी। फिर मैं वॉकिंग को चली गई थी। ये कल रात की बात है तो इसको भी मैंने रिकॉर्ड किया। और ये जो बैग आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मेरी एक फ्रेंड ने दिया है, कलीग बोल सकते हैं। तो इसे मैंने लिया है बिकॉज कल मैंने जो पहना था उसमें कोई पॉकेट्स नहीं थे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विथ रित्सु। सुबह के 6:30 अराउंड 6:30 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट उठी हूँ। उठने के बाद मैं थोड़ा ध्यान लगा रही थी, मेडिटेशन। मुझे खुद को टाइम देना होता है, थोड़ा सा वार्म वाटर पीना होता है। तो फिर मैं सोची उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। तो आज मेरे ब्लॉगिंग में इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इन्फॉर्मेटिव उसके लिए जो स्टूडेंट्स है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे सब्सक्राइबर्स अराउंड 18-30 ईयर्स ओल्ड है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसलिए मैं कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड शेयर करूँगी मेरे ब्लॉगिंग में, ताकि आप लोग भी पॉपअप कर सके टाइम टू टाइम की करना क्या है। तो जो बच्चे रेडी कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, तो एनटीए यूजीसी नेट फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक होगा। अक्टूबर इज़ लास्ट डेट। तो आप लोग टाइम पे फॉर्म भर लीजिए और प्रिपरेशन कर लीजिए। मैं जाती हूँ फ्रेशअप होने। फ्रेशअप होने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड, मैं आ गई हूँ वापस फ्रेशअप होके। तो मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है और जब मैंने देखा कि मैं तो बादाम, चने, मूंग ये सब भिगोना ही भूल गई, तो अभी मैंने सोचा कि फिर क्या खाएं। तो मैंने ये दिल्लीज का मोस्टली क्रंची मोस्टली, इसमें लिखा है एलमंड एंड रेजिन, लेकिन इसमें रेजिन तो है लेकिन एलमंड तो मुझे एक भी नहीं दिखा। इसमें लिखा है एलमंड एंड रेजिन, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी एलमंड नहीं है। रेजिन तो है, किशमिश तो है, लेकिन तो फ्लिपकार्ट में सेल चल रहा है, बिग बिलियन सेल, तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे कम पैसे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो जाके शॉपिंग कीजिए। तो हेलो अगेन आप सभी को। ब्रेकफास्ट तो कर लिया था मैंने, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोग से मिलना था, लेकिन मैं नहीं मिल पाई क्योंकि एक्चुअली मैं संभावना सेट एंटरटेनमेंट का वो देख रही थी। बहुत दिन से मैं नहीं देख पा रही थी उनका ब्लॉगिंग। तो जो गणपति बापा वाला एपिसोड था वो तो मैंने देख लिया था, लेकिन उसके बाद आई थिंक 6 या 5 और आए हैं, तो वो मैंने कंटिन्यूसली देख लिया। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं मुझे और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है मेरे को। उनका ब्लॉगिंग देख के यही सीखने को मिलता है कि उनके सराउंडिंग है ना, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, ब्लिसफुल है। तो यही सीखूंगी। सीखना तो है ना, जब हम किसी को फॉलो करते हैं तो उनसे सीखना भी चाहिए। तो चलिए देखते हैं रूम की क्या क्या फैसिलिटीज़ है, रूम के अंदर हमें क्या क्या दिया गया है। ये जो मैं उंगली दिखा रही हूँ, यहीं से हम आते हैं, उस तरफ में सीढ़ी है और मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर में। ये है मेरा रूम। रूम में एंटर करने से पहले मैं थोड़ा बाहर का भी दिखा देती हूँ कि क्या क्या है। ये है स्नान घर, मतलब बाथरूम। यहाँ पे सारा टॉयलेट रूम आपको मिल जाएगा, बाथरूम मिल जाएगा, यहाँ पे पानी पीने का भी आपको मिल जाएगा। गीज़र लगा हुआ है, तो चिल वाटर एंड नॉर्मल वाटर बोथ मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल चिल वाटर वाला पोर्शन काम नहीं कर रहा। ये कॉरिडोर है उस तरफ में भी, और ये है बालकनी बड़ा सा, मैं आपको दिखाती हूँ पास जाके। ये बहुत काफ़ी बड़ा, इसके नीचे है बैडमिंटन कोर्ट, यहाँ पे हम बैडमिंटन खेलते हैं, यहाँ पे वॉकिंग हो जाता है, यहाँ पे बाकी गेम्स भी हो जाते हैं। बहुत बड़ा एरिया है ये सारा, और हम लोग रहते हैं लेफ्ट विंग में और उस तरफ वाला है राइट विंग। तो चलिए मेरे रूम चलते हैं। सबसे पहले तो बता दूँ, मेरे रूम में 3 बेड है, मतलब ये पूरे हॉस्टल में जितने रूम्स हैं वहाँ पे 3 बेड मिलेगा आपको।
तो एक टेबल दिया जाएगा, एक चेयर दिया जाएगा और एक बेड दिया जाएगा। उसके साथ आपको अलमीरा मतलब कपबोर्ड भी दिया जाएगा और साइड में रैक भी रहता है ताकि आपको जो टॉयलेट्रीज है वो सारे सामान रखने होते हैं। ये है मेरा बेड। ओके, ये जो पिंक वाला आपने लास्ट वीडियो में देखा, ये जो टेबल है स्टडी टेबल, ये मेरा नहीं है, मेरे रूममेट का है जो कि अभी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गई है। तो यूजुअली मैं जब वो यूज़ नहीं करती है तो मैं करती हूँ। ये है मेरा टेबल, मैं जस्ट अभी अभी अनार खाई थी। और टेबल में आपको एक छोटा सा ड्रॉवर मिलेगा, ना अलमीरा नहीं दिखा सकती मैं, अलमीरा साइडली दिखा देती हूँ, मैं ऐसे जुगाड़ करती हूँ साइड से ऐसे। ओह नो, नहीं दिखा सकती अलमीरा, उस पोजीशन में नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, पूरा दिखाऊंगी। एक्चुअली यहाँ पे भी है एक कबोर्ड, यहाँ पे भी बहुत सारे विंटर के सामान रखे हुए हैं, सारे ब्लैंकेट जो भी विंटर को यूज़ करते हैं ब्लैंकेट्स, तो वो यूजुअल यूज़ नहीं होता तो ऊपर रख दिए हैं। फिर इसके अंदर आपको हैंगर भी मिल जाएगा, हैंगर इन द सेंस हैंग करने के लिए आपको बस रोड दिया जाएगा। और इस तरफ में, ये नीचे की तरफ में भी जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अलमीरा काफ़ी स्पेसियस है, रूम काफ़ी स्पेसियस है, तीन जन के लिए परफेक्ट है, तीन से ज़्यादा इज़ नॉट ओके। बेलकनी दिखाती हूँ, ऐसा थोड़ा स्पेस है छोटा सा, ये है। इसमें हम झाड़ू रखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। शाम के वक्त यहाँ बहुत अच्छा हवा चलती है, काफ़ी अच्छा लगता है। आपको दिखा दो, कुछ ऐसा दिखेगा वहाँ पे, देखो आप देख सकते हैं वहाँ पे। शाम के वक्त हम वहीं पे वॉकिंग करते हैं। तो अभी मैं ये पी रही हूँ हार्सले का मिल्क शेक, बहुत खाना खाने के बाद पीना अच्छा लगता है मुझे। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया हो गया होगा कि इस हॉस्टल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है। अगर आपको पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए ताकि मैं एजुकेशन से रिगार्डिंग भी कुछ वीडियो अपलोड कर सकूं, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अलग अलग न्यू वीडियोज़ बना सकूँ, कॉन्टेंट दे सकूँ आप सभी को। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।